हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जो कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पहले जो वीडियोस आए हैं दो, उन वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर ली है और उसका बेसिक डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा और आप लोगों को सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो उसमें तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स हैं आज, ठीक है ना, कि उन बेसिक्स के बिना हम लोग एक्सरसाइज 2.2 नहीं कर सकते। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिनकी प्रूविंग अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चों को वो केवल फॉर्मूले लर्न होते हैं, प्रूविंग नहीं जानते वो तो, और उसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। आप लोगों को अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो कहीं से अनसॉल्व पेपर अरेंज कर ले, उसके अकॉर्डिंग देखते जाए, तब आप लोगों को चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, है ना। तभी हम लोग फॉर्मूले कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और उन फॉर्मूलों को अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, एग्जाम में आप लोग काफी अच्छे से उनको परफॉर्म कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा था पीबीपी अपॉन एचएचबी, ये पढ़ा हुआ था पीबीपी अपॉन एचएचबी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। यहां क्या होता था, साइन कॉस टेन कॉट sec and last one is cos sec, okay? यहां से हम लोग क्या सीखते थे, sin theta equals 1 upon cos sec theta, फिर next होता था cos theta, cos theta equals 1 upon sec theta होता था। इससे ही inverse के formula भी तुरंत generate हो जाएंगे, tan theta equals 1 upon cot theta होता था, cot theta equals 1 upon tan theta, sec theta equals 1 upon cos theta, and last one is cos sec theta equals 1 upon sin theta. Okay students, ये तो वो formula थे जो हम लोग normal trigonometry पढ़ते थे, लेकिन inverse trigonometry की बात करें तो यहाँ पे formula थोड़ा सा change हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, देखिए ये जैसे sin inverse theta है, अगर हम लोग इसको x से replace कर दें या तो यहाँ पे replace करते हैं, अगर हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की, साइन थीटा की जगह अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो जो पूरा कॉसेक अपॉन में जाता है तो पूरा कॉसेक अपॉन में नहीं जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स वन अपॉन थीटा, या यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। कंपैरिजन से अगर आप स्टूडेंट्स पढ़ते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते हो, नहीं से रटते रहोगे फॉर्मूले, रटते रहोगे तो परेशान हो जाओगे, फॉर्मूले इतने सारे हैं। अभी यहाँ कम लग रहे हैं, अभी स्टार्ट होने दीजिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा समस्या होगी, तो इसलिए अभी इसको अच्छे समझते जाओ। फिर अगर कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर कॉस इनवर्स एक्स हम लोग रख दें, ये कॉस हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट सेक इनवर्स। अब देखिए कॉस थीटा था तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पे सेक नहीं जाएगा नीचे, जो एंगल है ये नीचे चला जाएगा, एक्स की जगह पे हो जाएगा वन अपॉन एक्स। बाकी आप लोग समझदार हैं, राजा बेटा है ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब टेन ले कंडीशन पे यहाँ पे कॉट आ जाएगा, कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट किसमें बदलता था भाई, टेन में, तो अगर टेन इनवर्स यहाँ पे आएगा एक्स की जगह यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एक्स। इसके बाद में अगर बात होगी सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स। इसके बाद में अगर बात करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स की तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले तैयार हो गए हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, कंपैरिजन से बिल्कुल आसानी से लर्न हो गए। याद रखिए पहले जो फॉर्मूले जो पढ़ते थे उसमें पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे जाता था, अब की बार वो अपॉन में नहीं आएगा, वो केवल सीधे सीधे सामने रहेगा, एंगल जो उसका होगा जो थीटा था वन अपॉन थीटा हो जाएगा केवल, या एक्स है तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बार बता दें, ये जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो हैं, फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं क्वेश्चंस लगाने में, मगर इनकी प्रूविंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, समझ रहे हो, ये जो फॉर्मूले हैं इनकी प्रूविंग बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। वो बात अलग की है कि 3 or 4 मार्क्स में नहीं आते, 1 or 2 मार्क्स में आते हैं, मगर आना तो है ना। ये नहीं मान लो 1-2 मार्क्स क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होता है कई बार कि 100 पहुंचते बच्चा रुक जाता है या 90 पहुंचते रुक जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए इनके प्रूविंग बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं आपको, 1-2 प्रूव करके दिखा देंगे बाकी आपको ऑटोमेटिक सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स हमें प्रूव करना है कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल सा है। अब देख करेंगे क्या, LHS को लेते हैं, यहां से हमने इसको पिक कर लिया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स वाई, ये हमने इसको लेट कर लिया है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स हो गया वाई, है ना भाई। अब देखिए करेंगे क्या, एक्स इक्वल्स साइन को उधर भेज देंगे। अभी आपको लॉजिक बताते हैं क्यों ऐसा है, हमने साइन को उस साइड भेज दिया तो वाई के पास जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या, हमें बनाना है कॉसेक, बनाना है हमें कॉसेक, कॉसेक तब बनेगा जब इसको उल्टा किया जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन एक्स, इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन साइन वाई, लिख दिया जाएगा भाई इतना। अब इसके बाद देखिए वन अपॉन साइन वाई को लिखा जा सकता है कॉसेक वाई, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वन अपॉन साइन वाई, देखिए वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा हो जाता है, ये बन गया भाई कॉसेक वाई। अब कॉसेक को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल्स वाई। अब देखिए भाई वाई की वैल्यू थी साइन इनवर्स एक्स और वाई की वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, लिख देंगे सो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन प्रूविंग आने वाली हैं जो एग्जाम में बम्पर पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, बस बच्चे परेशान हो जाते हैं उसमें कैसे करें कैसे नहीं करें, उस टाइम पर फॉर्मूले रट लो बस हो गया काम, फिर फॉर्मूले काम नहीं चलने वाला है, आपको उसकी प्रूविंग ध्यानी चाहिए। चलिए एक और बताते हैं आपको कॉस से, चलिए स्टूडेंट्स यही काम लोग कॉस के लिए करते हैं। देखिए कॉस में लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे साइन वाला वर्क किया था। करें क्या भाई, देखिए कॉस इनवर्स एक्स को लेट कर लिया वाई हमने, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए सेक बनाना है तो जब तक कॉस को उल्टा नहीं करेंगे सेक बनने वाला नहीं है, कॉस लेंगे तो इधर बच जाएगा एक्स, कॉस इनवर्स वाई के पास जाके बन जाएगा कॉस वाई, फिर वही सिचुएशन दोनों को उल्टा किया जा सकता है वन अपॉन ये कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया वन अपॉन एक्स इक्वल्स वन अपॉन कॉस वाई को लिखा जा सकता है सेक वाई, सेक को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स इक्वल्स वाई। अब देखिए भाई वाई की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स भी है और वाई की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स भी है, राइट साइड इक्वल देन लेफ्ट साइड ऑल्सो इक्वल, तो ये बन जाएगा क्या अपने पास कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग हियर, cos inverse x equals sec inverse 1 upon x. I am saying that these six formulas are very easy and you can also prove all that. I have proved here only sin inverse x and cos inverse x for you. But you can similarly prove tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. इस तरीके आप देखिए जो फोर फॉर्मूलाज यहाँ बचे हुए हैं इनको भी आप लोग बिल्कुल इजिली प्रूव कर सकते हो, बस थोड़ी सी ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे अपने साथ रेडी रखा करें वीडियोस देखते समय, और जिससे कि आप लोग उसको नोट करते रहें, अगर नोट करेंगे तो एग्जाम टाइम में काफी हेल्प मिलेगी आपको अपना कोर्स को रिवाइज करने में। इसके अलावा अभी अगर आप आए तो दो मिनट लिए वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सारे वीडियोज आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए कुछ और फॉर्मूला लेते हैं, उनको भी प्रूफ करते हैं, है तो इम्पोर्टेंट लेकिन उनको प्रूफ करके भी आपको दिखाते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला होता है अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाय टू, साइन कॉस फिर टैन कॉट, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाय टू, उसके बाद में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाय टू। ये थ्री फॉर्मूलाज और हैं, अभी आने और भी हैं मगर अभी थ्री हम लोगों ने लिए हैं, अब इन्हीं को हम लोग प्रूफ भी कर रहे हैं क्योंकि इनकी प्रूविंग्स भी बहुत बार पूछी गई हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स इनको प्रूफ करने के लिए हम लोग टेक्निक वही यूज करेंगे जैसा पहला हमने इस पर ले लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाय टू हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स तो करेंगे क्या, देखिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ से पिक करेंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स इसको लेट कर लेंगे वाई, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स को भेजेंगे राइट हैंड साइड पे तो हो जाएगा जाके साइन वाई। अब आप लोग एक बात क्लियर समझ के बताएं कि हमें हमारे पास साइन वाई तो है, जब पिछले वाले हम लोगों ने प्रूविंग करी है उसमें क्या किया था भाई उसको उल्टा कर दे रहे थे, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि साइन अगर कॉसेक लाना तो उल्टा करने पे आएगा। तो आप लोग यही बात यहाँ सोचो कि साइन तो है हमारे पास, ये देखिए साइन है हमारे पास, अगर हमें यहाँ पे कॉस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन से कॉस उल्टा करने में तो आएगा नहीं,
आएगा कैसे, जब हम लोग 90 माइनस थीटा करेंगे, बताया था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लियर नहीं है तो अभी भी समय है, आप लोग अजय कोचिंग क्लासेस सर्च करें यूट्यूब पे, उसमें एक पिक आ जाएगी ग्रुप आइकन जिसमें मेरी फोटो लगी होगी, आप उसको टच करेंगे तो उससे आप होम पे पहुंचेंगे, होम के बगल में वीडियोस, उसके बगल में प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सर्च करना हेडिंग बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स आपको सर्च करना है, उसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे जो आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वाले जो प्रॉब्लम है 90% तक सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, तो उनको जाके जरूर देख लें, ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान हो जाएंगे। तो साइंस अगर कॉस में हमें जाना है तो हमें पता है इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जिनका बेसिक क्लियर है उनको अच्छे समझ में आ रही होगी, जिनका नहीं क्लियर है उनके लिए बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स के वीडियोस पढ़ाए गए 5 पूरे देख ले, नोट्स बना ले, कंफर्म सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए भाई x equals cos pi by 2 minus pi है यहाँ, मतलब cos 90 minus theta करेंगे तो sin theta आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो अगला हमें चाहिए तो x के साथ cos inverse चाहिए, तो cos को हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos inverse x equals उस साइड बच जाएगा pi by 2 minus y। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे cos inverse x equals pi by 2 minus y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हो जाएगा sin inverse x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स राइट साइड में माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स है भाई, माइनस वन होती है पावर है, जल्दबाजी में ऐसा लिख जाता है प्लस, ये है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स ये हो जाएगा पाई बाय टू, और यहीं से ये देखिए प्रूफ हो गया है ना, ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी देखिए प्रूफ हो गया। आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक और प्रूफ कर देते हैं, एक आपके लिए होमवर्क है, आप लोग उसको होमवर्क में करें। सेकंड पे आ गए, सेकंड में हमारे पास tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स पाई बाय टू, ठीक है ना, और इनको लर्न करना तो बेहद आसान है भाई, ठीक है, साइन के साथ कॉस आता है, टेन के साथ कॉट आता है, सेक के साथ कॉसेक आता है, बस सिंपल पाई बाय टू लेना। इसमें भी वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे क्या tan इनवर्स x इक्वल्स y, ठीक है, फिर से वही काम tan इनवर्स को अदर साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल्स tan y। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है भाई, tan को हमें चेंज करना है cot में, चेंज कैसे होगा 90 माइनस थीटा से, x इक्वल्स यहां पे हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा y, cot को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x इक्वल्स बचेगा पाई बाय टू माइनस वाई। अब हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स माइनस वाई की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, माइनस वाई की जगह वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा देखिए टेन इनवर्स एक्स को बुला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाय टू। देखिए सेकंड फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, तो थर्ड फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों को हर चीज बिल्कुल बेसिक से क्लियर करी जाए, अगर आप यहाँ आए हो तो कोई भी चीज मिस नहीं होने पाए आप लोगों से, है ना, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए और इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर भी करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम तक जुड़ पाए, है ना। हाँ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, नहीं कई बार वीडियोज आएंगे आपको टाइम मिल नहीं पाएंगे। चलिए भाई ये तो प्रूफ हो गया, अब बढ़ते कुछ दूसरे टॉपिक की तरफ, अब देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ और फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, अब इसमें करते क्या है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स अगर निकालें तो वन यहाँ पे कॉस चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसा बन जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स स्क्वायर, तो ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनका यूज करना है स्टूडेंट्स, इनका यूज करके हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनाने हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब जो हमें फॉर्मूले बनाने हैं उनका यूज भी बहुत होना है ना, तो हम लोग उनको यहीं से बना लेंगे। कहाँ तक रटेंगे भाई, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, हमें आइडेंटिटी पता है स्टूडेंट्स साइन एक्स प्लस वाई की, क्या होती है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्लियर हुआ इतना भाई, साइन एक्स प्लस वाई।
वही आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी वाली, कौन सी, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। मगर हर बार यहाँ पे हुक कह रहा है एक्स वाई पे आइडेंटिटी बनाई हुई है, तो हम लोग भी एक्स वाई लेके चलना स्टार्ट कर देते हैं भाई। अगर हमें यहाँ से आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जब इनवर्स अलग जाता है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों देखिए अलग अलग हो गए, तो हमें आइडेंटिटी को ऐसे लेके आगे बढ़ना पड़ेगा और ये आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी, नहीं ऐसी आइडेंटिटी आपको लर्न हो ही नहीं पाएगी जल्दी से। तो देखिए जैसे इसमें साइन कॉस लगता था, इसमें ये केवल साइन इनवर्स बाहर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर होता क्या था साइन एक्स, तो साइन एक्स है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन एक्स है ये, तो एक्स आ जाएगा सीधा इसमें, मतलब साइन नहीं आएगा फिर एक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉस वाई, वाई वाला जो है हमें कॉस में चाहिए, ये देखिए वाई वाला है किसमें साइन में, y वाला है साइन, हमें साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे साइन में हमने कन्वर्ट किया है इसको, तो इसको हम ये भी तो चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन माइनस, ये उधर चेंज करके पहुंचा देते होता साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ज्यादा कॉस थीटा इक्वल्स रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम लोग इसका यूज कर लेंगे भाई, तो होगा क्या वाई, वाई हमें किसने चाहिए कॉस में, तो y किसमें चाहिए भाई cos में, अगर cos में तो y रख देंगे। अब सोचिए अगर आपने यहाँ y रख दिया तो हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस लगा लगा दिया। अब बात करेंगे cos x की, है ना, cos x, x चाहिए हमें cos में, x चाहिए cos में, तो अगर cos x चाहिए तो यहाँ पे अगर आप x रखोगे, ठीक है, तो यहाँ भी आपको पूरे में x रखना पड़ेगा, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन y, तो साइन तो लिखेंगे नहीं y, y तो पहले से ही साइन में, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो यहाँ पे हमने इसको y को रख दिया, इक्वल्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, y को पहले लिख देते हैं y इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स जो लोग फॉर्मूले लर्न कर सकते हो कर लें, नहीं मैंने बाकी उससे बनाने का तरीका बता दिया है कि ये कैसे बनेगा, और ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कैसे किया जा सकता है वो मैंने बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर इसी जगह पे माइनस आ जाए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी माइनस कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए ये तो दो आइडेंटिटीज हो गई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की। अब बात करते हैं कॉस की, एक अगली आइडेंटिटी लेते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, ये होती थी कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस होता है कॉस में तो यहाँ माइनस आ जाता है। अब करना क्या है भाई, अगर ये इनवर्स में होता तो कैसा लिखा होता, ये होता cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, जो ब्रैकेट में cos इनवर्स दोनों में लग जाता। अब देखिए दोनों cos में है, तो अगर बात करें cos x, x हमें चाहिए cos में, x cos में ऑलरेडी है तो x की जगह x आ जाएगा, मगर cos इनवर्स पहले बाहर लग जाएगा जैसे sin इनवर्स लग गया था, cos x x चाहिए हमें cos में, वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो ये हो गया। y भी चाहिए cos में, तो y तो ऑलरेडी cos में है, तो y यहां पे आ गया माइनस। अब sin की बारी आ गई, x चाहिए sin में और x दिया है cos में, तो x अगर sin में चाहिए तो sin के लिए ये आइडेंटिटी लगाएंगे sin theta equals root 1 minus cos square theta, अगर आप इसकी जगह x रखोगे तभी तो sin x बनेगा ये, अगर यहाँ x रखोगे तो cos theta की जगह रखना पड़ेगा आपको x, तो square लगा cos theta तो हो जाएगा x square, तो root 1 minus x square यहाँ बन जाएगा root 1 minus x square। ऐसे ही देखिए ये दिया हुआ है, ऐसे ये दिया हुआ है साइन वाई, वाई भी हमको चाहिए साइन में, वाई दिया है कॉस में, तो ऐसे जब इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया रूट में तो दूसरा हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर रूट में, तो ये दूसरी आइडेंटिटी तैयार हो गई, ठीक। अब क्या होगा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देखो दिया हुआ है, अगर यहीं पे माइनस हो जाए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस की जगह हो जाएगा प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, ये दो और आइडेंटिटीज तैयार हो गए, तो साइन हो गया कॉस हो गया। अब बारी आती है स्टूडेंट्स टैन की, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पे क्या, टैन ए प्लस बी इक्वल्स
tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. तो स्टूडेंट्स अब इस आइडेंटिटी में हम लोग देखेंगे अगर टैन इनवर्स में यही बात होती तो कैसे मेंटेन करते हैं, और जैसे मैंने बताया एक्स और वाई से इसको रिप्लेस कर देते हैं भाई, क्योंकि हर आइडेंटिटी हमें यहाँ पे एक्स और वाई पे ही दिखानी होती है. यहाँ भी हो जाएगा एक्स और यहाँ भी हो जाएगा वाई. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर यही हमें इनवर्स में मिल जाए तो क्या मिलेगा भाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई. ठीक है, हम देखिए टेन वाला आपको एक्सप्लेन किया दे रहे हैं, कॉट वाली जो आइडेंटिटी बनेगी वो भी सेम ऐसे ही बनेगी, केवल इसके बेस पे ही उसको अरेंज कर दिया जाएगा. ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे टेन इनवर्स बाहर रख दिया जाएगा, जैसे कि देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाली आइडेंटिटी में हुआ था, साइन इनवर्स बाहर रख दिया गया था, यहाँ पे टेन इनवर्स बाहर रख दिया जाएगा. फिर यहाँ पे जब देखिए इस जगह पे आइए, पहले जब साइन इनवर्स रखा गया यहाँ साइन कॉस अंदर कुछ भी नहीं लगा था, यहाँ भी टेन नहीं लगेगा, केवल सिंपल क्या बचेगा एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई अपॉन ये हो जाएगा वन माइनस टेन हट जाएगा एक्स बचेगा, यहाँ से टेन हट जाएगा वाई बचेगा. ये तैयार हो गई आइडेंटिटी आपकी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की. इसलिए मैंने कहा बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स आप लोग देख लें, वीडियोस 5 वीडियोस का कलेक्शन है, गारंटी है कि आप लोग 90% से 95% प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी. ठीक है, अब इसमें अगर माइनस यहाँ कर दिया जाता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो यहाँ पे आ जाता tan इनवर्स x माइनस y, यहाँ माइनस कर देंगे तो सामने माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई. अब अगर यहाँ पे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y की बात करेंगे तो अभी सिंपल फॉर्मूले से ही चेंज होके आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के. ठीक है, अब तो अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, पहले देखते हैं इसकी थोड़ी सी प्रूविंग देख लेते हैं एक मिनट. तो देखते हैं स्टूडेंट्स जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है यही सेम, तो आप समझिए जरा सा tan इनवर्स x को हम लोग लेट कर लेते हैं थीटा, हम लोग लेफ्ट साइड से उठाते हैं. इसके पहले जब हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव किया था sin इनवर्स x इक्वल्स cosec इनवर्स 1 अपॉन x, तब भी हमने LHS को पिक कर लिया था, LHS को लेट कर लिया था. ऐसा काम यहाँ करेंगे, यहाँ पे दो पार्ट हैं, तो tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लेंगे और tan इनवर्स y को अल्फा लेट कर लेंगे. इतना क्लियर हुआ? अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे tan थीटा प्लस अल्फा का. अब देखिए tan थीटा प्लस अल्फा तो tan a प्लस b टाइप है, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे उसमें, तो वो क्या जाएगा tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन वन माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा. अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा प्लस अल्फा. ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं. अच्छा यहाँ से एक चीज मिस हो गई, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, इधर अगर tan इनवर्स है तो अदर साइड जाके हो जाएगा tan, तो इधर बन जाएगा tan थीटा. ऐसे यहाँ देखिए y इक्वल्स tan इनवर्स अदर साइड जाएगा तो यहाँ बन जाएगा tan अल्फा, तो tan थीटा, tan थीटा की जगह रखा जा सकता है x प्लस tan अल्फा की जगह रखा जा सकता है y अपॉन वन माइनस tan थीटा, tan थीटा की जगह रखा जा सकता है x इंटू tan अल्फा की जगह रखा जाएगा y. ठीक, अब क्या करेंगे इधर tan है तो इसको लोग ट्रांसफर कर देंगे अदर साइड पे, तो थीटा प्लस अल्फा की साइड बचेगा, tan इधर राइट साइड पे जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा. अब देखिए थीटा की वैल्यू लेकिन थी क्या tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम लोग रख देंगे tan इनवर्स x प्लस अल्फा, अल्फा की जगह था tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई, इधर तो ये बच ही रहा था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई. प्रूव हो गया, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं. tan इनवर्स x इक्वल्स थीटा लेट किया, tan इनवर्स y इक्वल्स अल्फा लेट कर दिया, x यहाँ पे हमने सेव किया तो tan इनवर्स अब राइट साइड पे जाएगा तो tan थीटा बन जाएगा, इधर y बचाएंगे तो tan अल्फा बन जाएगा. अब हमें भाई क्योंकि ये वाली जो आइडेंटिटी है वो बने तो इसी बेस से है ना, इसको हम लोग लेके चलेंगे, तो tan थीटा प्लस अल्फा हमने ले लिया, तो देखिए tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, tan थीटा प्लस अल्फा चला, tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी, यहाँ हो गया x और यहाँ भी हो गया y, वन माइनस tan थीटा की जगह x हो गया, tan अल्फा की जगह y हो गया.
अब क्या करना है, हमें इधर tan तो चाहिए नहीं, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया राइट साइड पे, तो बन गया कि tan इनवर्स। अब देखिए थीटा की पुट कर दी यहां पे, तो जाएगा tan इनवर्स x प्लस, तो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही अगर आप चाहें तो y की जगह माइनस y रख देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल आराम से, है ना। चलिए स्टूडेंट्स आते हैं कुछ और फॉर्मूले पे। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ और आइडेंटिटीज। तो जैसे sin 2a हुआ करता था तो a की जगह हम लोगों ने x कर दिया है, उसके बाद में cos 2x, उसके बाद में tan 2x, ठीक है भाई। इनकी आइडेंटिटीज को कैसे अच्छे से लर्न किया जा सकता है हम आपको बताते हैं। देखिए साइन में और टैन में, यहाँ पे दोनों में 2 tan x कन्फर्म है, दोनों में होता है, याद रखिए आप लोग। क्या समझे भाई, साइन 2x और टैन 2x में ऊपर 2 tan x और 2 tan x कन्फर्म होता है, ठीक है। बस इसमें आपको इतना माइंड करना है कि यहाँ प्लस लगता है और यहाँ माइनस, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x और ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए भाई cos 2x इन दोनों के बीच में आता है, sin 2x और tan 2x के बीच में, तो जो cos है वो दोनों से सपोर्ट लेगा, है ना। तो पहले उसने tan से सपोर्ट लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर x उसने ऊपर रख लिया अपॉन, फिर गया sin 2x है तो उसके अपॉन के ले लिया, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। अब यहीं से आइडेंटिटीज हमें और बनानी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। चलिए उनको भी यहाँ समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से अब आइडेंटिटी जो बनती है वो 2 tan इनवर्स x की बनती है 3 टाइम्स में, और तो कई जगह भी यूज होना है, खासकर जब भी मैंने आइडेंटिटी बताई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस आइडेंटिटी का यूज तो बहुत ज्यादा होने वाला है एक्सरसाइज में, ठीक है ना। पहले इसको बता देते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक दूसरे टॉपिक पे। हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, अगर हमें ये साइन के टर्म में चाहिए तो इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 2 लिख दिया tan x, और जब हम लोग इनवर्स में आइडेंटिटी बनाते हैं तब उस टाइम यहाँ tan n वगैरह कुछ नहीं लगाते, तो tan हट जाएगा तो बचेगा x अपॉन, ये देखिए 1 प्लस है तो 1 प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर x है ना, और tan वगैरह कुछ लगाते हैं तो ये स्क्वायर चला जाएगा x पे, तो ये हो गया x स्क्वायर पे। अब 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी अगर हम tan में ही चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, पहले tan इनवर्स लिख जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है 2 tan x, तो tan यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2x अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x है ना, तो स्क्वायर यहाँ से हट के x पे लग जाएगा, tan हट जाएगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद देखिए अगर हम लोग cos के टर्म में चाहें ये वैल्यू तो हो जाएगी cos इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा देखिए भाई 1 माइनस लिखा हुआ है तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो tan हट जाएगा तो ये स्क्वायर लग जाएगा इस पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में, ऐसे ही 1 प्लस x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आइडेंटिटीज फिनिश हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें कुछ प्रूविंग्स और करनी है, जैसे कि tan इनवर्स x की जो आइडेंटिटी है हमें इसको cos इनवर्स में भी चेंज करना पड़ेगा और tan इनवर्स में भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही जो cos इनवर्स x होगा उसको sin इनवर्स और tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, फिर tan को sin और cos में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन सभी प्रूविंग्स को सीखना चाहते हैं और फॉर्मूला रटने से बचना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और जो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रूविंग कराई है उनको कर लें। और इससे बेहतर होगा कि अगर आप लोग अनसॉल्व्ड पेपर अरेंज कर लें कहीं से और उसमें से फिर देखें कि सारे प्रूविंग कितनी बार आई है, तो आप लोगों को वो वर्क करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, अच्छा फील करोगे आप लोग कि नहीं भाई बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये जो आइडेंटिटीज हैं इनको भी प्रूव करके आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।